सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल मेरे भाई। और यार गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अपना जो मैजिक क्यूब वाला स्टोर सेक्शन यार वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पे न्यू बंडल्स आ चुके हैं मेरे भाई। तो यार आप में से मैक्सिमम पीपल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप लोगों को कौन सा वाला बंडल चूज करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों का ये जो डाउट है छोटा सा डाउट उसको बिल्कुल 100% क्लियर कर दूंगा। और इतनी तो आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो यार इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार और मज़ेदार होने वाली है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो अभी से। यार मेरे भाई चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को कर लो नोटिफिकेशन पे सेट। बाकी यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कल से हमारे चैनल के ऊपर गिव अवे स्टार्ट हो रहे हैं। गिव अवे के अंदर आप लोग यार आराम से 300 400 से लेके 500 डायमंड तक जीत सकते हो, तो भाई जरूर पार्टिसिपेट करना। उसके लिए बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है सिंपली बस यार। तो चलिए यार गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार गाइस एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो यार गाइस जैसे ही आज आप लोग अपने मैजिक क्यूब स्टोर सेक्शन के अंदर आओगे तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो यार अपने स्पार्टन बंडल के साथ यार गाइस पंडित वाले बंडल और यार गाइस वैनम वाले बंडल के अलावा भी बहुत सारे ओपी ओपी बंडल्स ऐड हुए हैं। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है आप में से मैक्सिमम पीपल कन्फ्यूज हो गए होंगे कि हम लोगों को कौन सा बंडल इन सब में से चूज करना चाहिए। सो तो देखो यार अगर तुम कोई भी बंडल फ्री फायर के अंदर लेते हो ना तो दो बातें अपने दिमाग में हमेशा रखा करो। पहली तो ये कि अगर आप कोई भी बंडल ले रहे हो तो यार उसका ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि यार ये जो वैनम वाला बंडल है ये ओवरऑल बंडल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यार वहीं इमेजिन करो अगर हम इसकी जो चेस्ट है उसकी चेस्ट को हटा के अगर हम उसके अंदर यार अपने स्पार्टन बंडल की चेस्ट को ऐड कर दे तो यार सचमुच उतना ही ओपी लुक आएगा, नहीं आएगा भाई घंटा भी लुक नहीं आएगा। तो यार मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर दो बंडल मतलब कोई भी बंडल तुम लेते हो ना तो यार दो चीज़ें देखा करो, या तो ओवरऑल बंडल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए या फिर उस बंडल के पार्ट्स को हम दूसरे बंडल के अंदर डालें फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओपी लुक आना चाहिए। तो यार ये दो बातें हमेशा अपने माइंड के अंदर फिट किया करो। बाकी यार देखो मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा और बता भी दूंगा कि बेस्ट बंडल कौन सा है इन सब में से, वो भी सारी बातें अपने ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। सो यार यहाँ पे आप देख सकते हो यार अपने बैंडिट वाले बंडल के साथ स्पार्टन वाला बंडल दोनों ही बंडल काफ़ी ज़्यादा ओपी है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इन सारे बंडल्स में से अगर आपको किसी बंडल के ऊपर अपना दाव लगाना चाहिए तो यार वो बंडल होना चाहिए कोई लेजेंडरी बंडल, ना कि ऐसा बंडल जो कि हाल ही फिलहाल हमारे गेम के अंदर आया था। तो यार यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बंडल्स बताऊंगा जो आप लोगों को लेने चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे आप क्रेडिट डीजे बंडल को देख सकते हो, यार ये बंडल काफ़ी ज़्यादा पुराना बंडल है फ्री फायर का। और यार इस बंडल के अंदर यार एक अच्छी बात यह है कि इसके जूते को अगर आप किसी भी बंडल के अंदर यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोगों के ऊपर ढंग के शूज नहीं है फ्री फायर के अंदर। बाकी यार इसकी वेस्ट भी बहुत ज़्यादा ओपी है। सो यार गाइस क्रेजी डीजे बंडल के अलावा यार गाइस अगर आपको कोई बंडल लेना चाहिए तो यार यहाँ पे यार बैंडेज बंडल को आप ले सकते हो, और ये बंडल भी बहुत ज़्यादा ओपी बंडल है और इसका ओवरऑल लुक तो यार आप देख सकते हो क्या ही ओपी लुक है मेरे भाई। और यार शायद ही कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो इस बंडल को बकवास बंडल बताएगा। बाकी यार गाइस हाँ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट बंडल कौन सा है इन सारे बंडल्स में से, तो यार कमेंट करके यार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फेवरेट बंडल यार कमेंट करो। एंड यार गाइस यहाँ पे हम एक और बंडल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी बंडल है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप वाइकिंग बंडल को देख सकते हो, एंड यार गाइस यहाँ पे जो अपना पायलट वाला बंडल है यार गाइस ये दोनों बंडल भी बहुत ज़्यादा ओपी है। तो यार इन दोनों बंडल में से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई आप यार इस पायलट वाले बंडल को लो, बिकॉज यार गाइस इसकी जो वेस्ट है ना जो इसकी शर्ट है इस शर्ट को अगर आप किसी भी बंडल के अंदर फ्री फायर के अंदर अगर आप पहनाओगे तो यार वही इतना ज़्यादा ओपी लुक आएगा यार गाइस क्या ही बताऊँ। तो यार बहुत ज़्यादा ओपी बंडल है ये भी, इसको ज़रूर लेना यार गाइस अपने जो फेवरेट्स की लिस्ट है उसके अंदर यार इस बंडल को ज़रूर रखना। और मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये एक लेजेंडरी बंडल है क्योंकि यार यहाँ पे गोल्डन लाइट आ रही है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ बंडल्स अभी बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं लेने हैं, जो कि यार गाइस ये है अपना ईगल वाला बंडल। यार ये बंडल कहीं से भी इतना ओपी बंडल नहीं है, अगर आपका फेवरेट हो तो मैं नहीं कहूँगा कि यार मत लो इसे। कोई भी बंडल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो यार उसको ज़रूर लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यार ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी यार मैं आप में से तो सजेस्ट करूंगा कि यार इस बंडल को मत लेना, इतना ज़्यादा ओपी बंडल नहीं है ये। एंड यार गाइस साथ ही साथ कुछ बंडल्स और हैं जो कि आपको अपने फेवरेट्स की लिस्ट में से अभी हटा देने चाहिए, वो है यार गाइस वैनम वाला बंडल। बिकॉज यार गाइस इस बंडल को आप बस ओवरऑल पहन सकते हो, अगर आप इसको कंबाइन करना चाहोगे किसी और बंडल के साथ तो यार इतना ज़्यादा मस्त लुक नहीं आने वाला। बाकी यार स्पार्टन बंडल काफ़ी ज़्यादा ओपी है, एंड यार गाइस काफ़ी ज़्यादा पुराना बंडल है फ्री फायर का, तो इस बंडल को जरूर ले सकते हो। और कोई भी स्पार्टन मूवी का फैन है तो यार वो इसी बंडल को लेगा बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के।
बाकी स्टार जनरल जो बंडल है यार, ये भी पुराना बंडल है, लेकिन यार इतना ज़्यादा ओपी बंडल नहीं है, और शायद ही कोई होगा जो इस बंडल को लेना पसंद करेगा। बाकी टॉप गेमर बंडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंडल है बाकी सारे बंडल्स के कंपैरिजन में। तो यार ओवरऑल मैं यार इतना बकवास नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को तीन चार बंडल बता देता हूँ जो कि आपको मस्ट लेने चाहिए। क्रेडिट डीजे बंडल आप लोगों को लेना चाहिए यार गाइस, साथ ही साथ क्रेजी डीजे बंडल के अलावा यार गाइस यहाँ पे बैंडिट बंडल आप लोगों को लेना चाहिए। तो यार बैंडिट बंडल आप लोगों को लेना चाहिए, मैं भी यार क्या ही बोल रहा हूँ, बैंडिट पंडित कुछ भी बकवास। और स्पार्टन बंडल और भी यार काफ़ी ज़्यादा ओपी ओपी बंडल है, तो यार दो बंडल अपने दिमाग में सेट कर लो, बैंडिट बंडल एंड यार गाइस यहाँ पे क्रेजी डीजे बंडल एंड यार गाइस नाइट क्लोन बंडल भी काफ़ी ज़्यादा ओपी बंडल है, लेकिन मुझे लगता है ये मैक्सिमम पीपल के पास होगा, बिकॉज यार गाइस पिछले दिवाली इवेंट के दौरान हमें फ्री मैजिक क्यू मिला था, तो उस टाइम यार अराउंड 80% लोगों ने यार इस बंडल को लिया था। तो बाकी आपकी मर्जी है, स्टे ट्यून स्टे सपोर्टिंग टाटा गाइस, और फ्री में अगर डायमंड चाहिए तो यार अब भी सब्सक्राइब करो यार चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून स्टे सपोर्टिंग, और मैं बकवास कर रहा हूँ अभी, टाटा गाइस।